इंस्टाग्राम में बहुत सारे फीचर्स आते जाते रहते हैं, अब कुछ परमानेंट हो जाते हैं तो कुछ रिमूव भी हो जाते हैं, बट आज इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे हिडन फीचर्स बताऊंगा जो डेफिनेटली आपके बहुत काम आएंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। जो हमारा फर्स्ट हिडन फीचर है, यहाँ पर आप कोई भी रील्स देखते हो तो उसको डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका जो है इस ऐप में ही छुपा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को पहले सेंड बटन पे क्लिक करना है, फिर ऐड रील टू योर स्टोरी जो है उसको क्लिक करना है। अब ये जो रील है आपकी स्टोरी में आ जाएगी, इसके बाद आपको इसको जो है थोड़ा बहुत जूम करके एडजस्ट करना है अपनी स्क्रीन के साथ में। फिर यहाँ पर आप लोगों को ऊपर सिंपली डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है और ये जो रील है सेव हो जाएगी आपके गैलरी में। तो यहाँ पर हम लोग जो जल्दी से ऊपर डाउनलोड वाले बटन को क्लिक कर देते हैं, फिर ये जो थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लेगी, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों की ये जो रील है गैलरी में सेव हो जाएगी। तो मैं आपको गैलरी में ही सीधा लेकर चल के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को सेव वाला मैसेज भी आ गया और यहाँ पर जो गैलरी है वहाँ पर भी हमारी ये रील आ चुकी है। आप ऐसे करके बहुत सारे रील्स को सेव कर सकते हैं सीधा इंस्टाग्राम ऐप से। और अगर जो रील आपको डाउनलोड करनी है उसकी ड्यूरेशन अगर 15 सेकंड से ज़्यादा है तो फिर आप इसको डायरेक्टली इंस्टाग्राम ऐप से डाउनलोड नहीं कर पाओगे। फिर आपको उस रील को सिलेक्ट करना है और कॉपी लिंक कर देना है। फिर जाना है आपको आपके क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पर एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसका नाम है इंस्टा फिंस्टा, तो काफ़ी एक फैंसी नेम है। अब यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है आपको सिर्फ उसको क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को जो है रील्स वाले सेक्शन में चले जाना है और जो लिंक आपने कॉपी की थी वो यहाँ पर आपको बस पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, इसके बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आप लोगों के सामने वो रील आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है तो आपकी जो रील है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं और ऊपर आप नोटिफिकेशन पैनल में भी देख सकते हैं जो हमारी रील है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेते हैं जैसे ये रील पूरी डाउनलोड हो जाए। इसके बाद ये जो रील है डाउनलोड हो चुकी है और जो ड्यूरेशन है वो भी आप देख सकते हो कंप्लीट 30 सेकंड्स वाली ही है। इंस्टाग्राम ऐप में एक लिमिट है क्योंकि स्टोरी हम लोग जो है सिर्फ 15 सेकंड्स तक ही अपलोड कर सकते हैं, बट इस मेथड से आप जो है पूरी ड्यूरेशन की रील को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो दूसरा हिडन फीचर है, यहाँ पर आप लोग अगर मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करते तो इंस्टाग्राम ने अपने नए अपडेट में एक जेस्चर ऐड किया है। यहाँ पर जो टैब स्विचिंग वाला बटन है आप अगर उसको डबल टैप करेंगे तो आप जो है अपने दूसरे अकाउंट में पहुँच जाएंगे। बस खाली आपको जो नीचे अकाउंट वाला बटन है उस पर डबल टैप करना है, फिर आपका जो अकाउंट है वो स्विच हो जाएगा। तो एक काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है। अब जो थर्ड हिडन ट्रिक है, अगर आपको किसी एक आईडी के मल्टीपल अकाउंट को चेक करना है तो यहाँ पर आपको उनके यूज़र नेम के बाजू में एक एरो देखने को मिल जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो उनका मल्टीपल अकाउंट या फिर फीचर्ड अकाउंट देखने को मिल जाएगा, तो आप जो इसको चेक कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब उस आईडी ने अपना एक और मल्टीपल अकाउंट अटैच किया हो। अब जो फोर्थ हिडन ट्रिक है, जब कोई आप पोस्ट लाइक करते हैं इंस्टाग्राम पे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम उसकी भी हिस्ट्री रिकॉर्ड करते हैं कि आपने कौन से पोस्ट लाइक करके रखे। इसके लिए आपको चलना होगा सेटिंग्स में, फिर यहाँ पर आप लोगों को अकाउंट में आना है, फिर यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पोस्ट यू हैव लाइक्ड वाला। अब यहाँ पर आप जो है आपके अकाउंट के सारे लाइक्ड पोस्ट चेक कर सकते हैं। जब आपने अपना अकाउंट पहले दिन पे बनाया था उस दिन से लेकर एट प्रेजेंट आपने जितने भी पोस्ट लाइक किए वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद जो हमारा फिफ्थ हिडन फीचर है, यहाँ पर अगर आपको अपने फीड में से कौन सा पोस्ट हाइड करना है तो यहाँ पर आप लोगों को जो पहले उस पोस्ट को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आप लोगों को ऊपर 3 डॉट मेन्यू पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको अर्चीज वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो पोस्ट है वो गया हाइड हो जाएगा आपके फीड में से। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, फिर आप लोगों को इसको ढूंढने के लिए चलना है ऊपर 3 डॉट मेन्यू में आपके अकाउंट के, फिर चलना है आपको वही अर्चीज वाले सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पर आप लोगों का जो डिफ़ॉल्ट है वो स्टोरीज अर्चीव पे सेट होगा, आपको उसको जो चेंज करने पोस्ट अर्चीव पे, फिर आपको ये जो आपका पोस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अब आपको इसको अनहाइड करने के लिए फिर से इसको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर शो ऑन प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा 3 डॉट मेन्यू के अंदर। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपका पोस्ट जो है वापस आ जाएगा। तो ऐसे आप जो है अपने पोस्ट को हाइड कर सकते हैं।
अब जो हमारा लास्ट हिडन फीचर है, अगर आपने अपना इंस्टाग्राम अपडेट किया है तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा आपके स्टोरी के अंदर फिल्टर्स वाला। तो यहाँ पर आप जो अपने फोटो के ऊपर फिल्टर्स बहुत सारे टाइप के लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये फिल्टर्स है बहुत ही अच्छे से हमारे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं और एक डिफरेंट लुक दे देते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर आप जो है इनका यूज़ करके अपने स्टोरीज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप जो अपने कौन से भी पसंद का फिल्टर सिलेक्ट करके अपने स्टोरी को एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। तो क्या आपको ये फीचर पहले से पता था, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आपके लिए एक बोनस ट्रिक भी है, आप जो है इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकते हैं वो भी बिना अकाउंट के। वैसे हम लोगों को जो है इंस्टाग्राम यूज़ करने के लिए अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, बस खाली इच्छा की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये ट्रिक काम करेगी। अब इस ट्रिक की मदद से आप इंस्टाग्राम के किसी यूज़र के पोस्ट या फिर स्टोरीज देख सकते हो, वो भी बगैर अकाउंट क्रिएट किए इंस्टाग्राम पर। अब यहाँ पर आप लोगों को एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसका नाम है पिसुकी। आई नो काफ़ी यूनिक नेम है, तो यहाँ पर आपको जो है उस पर्टिकुलर यूज़र का यूज़र नेम डाल देना है जिसको आपको सर्च करना है। जैसे यहाँ पर मैं सिद्धार्थ निगम का यूज़र नेम सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको उसका अकाउंट मालूम होना चाहिए, तो यहाँ पर जैसे ये शायद मेरा गलत अकाउंट ओपन हो गया क्योंकि ये प्राइवेट है। तो यहाँ पर हम बैक आते हैं। अब जो उसका ओरिजिनल अकाउंट है वो मैंने ओपन कर दिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उस अकाउंट के जितने भी पोस्ट है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और उसने जो भी स्टोरीज डाली है वो यहाँ पर मैं बड़े आसानी से देख सकता हूँ बगैर कोई भी अकाउंट क्रिएट किए इंस्टाग्राम पर। तो यहाँ पर आप जो है यहाँ से पोस्ट को डाउनलोड और स्टोरीज को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पर आपको स्टॉक करने में हेल्प करेंगे इंस्टाग्राम पे बगैर किसी अकाउंट को ओपन किए। तो यहाँ पर आप जो पोस्ट और स्टोरीज को इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। वैसे आपको आज कौन सा फीचर पसंद आया और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस जाते जाते हम यूट्यूबर्स के 3 बेसिक नीड्स को ज़रूर से पूरा कर दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो भी आपका मन करे। मैं आपको मिलूंगा ऐसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।